दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल का समय काफ़ी ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी वो टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय पार्थिव पटेल को छोड़ दे तो आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने इस सीजन सबको निराश किया है। दरअसल पार्थिव पटेल के पिता ब्रेन हेमरेज की वजह से अहमदाबाद एक अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण उन्हें मैच खेलने के बाद वहाँ जाना पड़ता है। पार्थिव पटेल ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि जब मैं खेल रहा होता हूँ तो तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैच पूरा होता है मेरा दिल घर के बारे में सोचने लगता है। सुबह उठते ही पापा की सेहत के बारे में पूछता हूँ, डॉक्टरों से बात करता हूँ, कभी कभी कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं। मेरी माँ और बीवी घर पर हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले मुझसे ही पूछा जाता है। शुरुआती दिन काफ़ी अहम थे, क्या कुछ दिन के लिए वेंटिलेटर बंद कर दें या कितना ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए, ऐसे फैसला लेना काफ़ी कठिन होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मैच खत्म होने के बाद घर जाने की अनुमति दे रखी है। खबरों की माने तो वे मैच समाप्ति के बाद सीधे घर जाते हैं और फिर मैच शुरू होने से पहले टीम से जुड़ जाते हैं। लगातार यात्रा करने के बाद भी पार्थिव पटेल के खेल पर कोई असर नहीं पड़ा। पिता की बीमारी के चलते पार्थिव ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट छोड़ दिया था, लेकिन परिवार के समझाने पर वे IPL में खेलने को राजी हो गए। पार्थिव पटेल IPL में CSK, कोच्चि टेस्कर्स केरला, डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले सीजन इन्हें RCB ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था, हालांकि इससे पहले 2014 में भी वे RCB का हिस्सा रह चुके हैं।